आप हमेशा फोन लेकर के तो चलते हैं, लेकिन हर वक्त आपको फोन चोरी होने का जो डर है वो सताता रहता है। फोन तो कीमती है, लेकिन उससे कीमती कहीं उसका डेटा है, और इसी वजह से आप थोड़े से डरे रहते हैं अपने फोन को लेकर के। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको आपके इसी डर को जो दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो एक पोर्टल लॉन्च किया है, जहां से आप न सिर्फ अपने फोन को लॉक कर सकते हैं बल्कि उसे ट्रैक कर सकते हैं, और यदि मिल जाए तो उसे जो है वो पुनः अनब्लॉक कर चला सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि कैसे यह करता है काम और कहां जाकर के आपको जो है वो ये ट्रैक जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना होगा, तो चलिए मैं आपको इसको बारे में विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि फोन चोरी होता है तो आप पुलिस में इसकी शिकायत जरूर करें, क्योंकि यह डॉक्यूमेंट जो है आगे उसे ट्रैक करने में जो है काम आएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि कैसे खोए हुए फोन या चोरी हुए फोन को ट्रैक करना है और उसको कैसे जो है वो ब्लॉक करना है। तो सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम है CEIR, और आपको जो है वो CEIR.gov.in पे जाना है। जैसे ही आप होम पेज पे आएंगे, आपको थोड़े से नीचे में तीन विकल्प दिखाई देगा। पहला है ब्लॉक एंड स्टॉलिंग जो है मोबाइल का, और दूसरा है अनब्लॉक फाउंड फोन का, और तीसरा है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का। तो आपको जो है फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज खुल करके आ जाएगा, जहां सीधा लिखा होगा गुम या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने के लिए अनुरोध, यानी कि यह रिक्वेस्ट है। मैं आपको बता दूं कि एक जो है ये रिक्वेस्ट है। इस पेज पे अभी लिखा गया है सीधा में कि दिल्ली और महाराष्ट्र के ग्राहकों के लिए है, अभी जो है यह सेवा को पूरे देश में लागू नहीं किया गया है। इस पेज को खुलने के साथ ही सबसे पहले आपको जो है मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे दो मोबाइल नंबर का ऑप्शन होगा, यदि आपका फ़ोन डुअल सिम है तो दो मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, यदि डुअल सिम नहीं है तो आप सिंगल मोबाइल नंबर डाल के भी काम चला सकते हैं। उसके अलावा मोबाइल नंबर के नीचे ही जो आपको जो है वो IMEI नंबर का ऑप्शन जो है वो मिलेगा। यहाँ भी दो ऑप्शन है, चूँकि डुअल सिम फ़ोन में दो IMEI नंबर होते हैं, इसलिए अगर आपका फ़ोन डुअल सिम है तो फर्स्ट IMEI नंबर यहाँ पे डालें और दूसरा IMEI नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। हालांकि दूसरा जो मोबाइल नंबर और IMEI नंबर है वो ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको ब्रांड, जिस ब्रांड का आपका फ़ोन था वो चुनना है, और उसके बाद डिवाइस का मॉडल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है दाएं साइड में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने फ़ोन ख़रीदा था उसका जो इनवॉइस है यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस प्रक्रिया को जब आप पूरा कर लेते हैं तो आपको नीचे मिलेगा जहाँ पे आपको अपने फ़ोन के बारे में जो है किस जगह पे खोया था और किस स्थान पे किस समय पे खोया था उसके बारे में जानकारी देनी होगी। आप देख सकते हैं कि लॉस्ट प्लेस, उसके अलावा जो है UTI, इसके अलावा जो है सिलेक्ट स्टेट, किस स्टेट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, और किस डेट और टाइम पे आपका फ़ोन खोया था, इस जानकारी को देना होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पुलिस कंप्लेंट नंबर जो है वो बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको जो है पुलिस कंप्लेंट नंबर डालना है, और जहाँ पे आपने, जिस थाने में आपने वो फाइल किया था उस थाने का नाम डालना है, और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं एक डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन दिया गया है, जो आपने कंप्लेंट किया होगा तो एक कॉपी मिली होगी, उस कॉपी को आप PDF फॉर्मेट में या JPEG फॉर्मेट में जो है अपलोड कर सकते हैं। एक बार जब आप कंप्लेंट अपलोड कर लेते हैं, कंप्लेंट की फाइल अपलोड कर लेते हैं, तो फिर आपको ऑनर का, यानी कि जो मोबाइल का मालिक था, जिसने मोबाइल ख़रीदा था, उसका नाम डालना है। उसके बाद उसकी एक आइडेंटिटी जो है, चाहे वो वोटर आईडी हो, चाहे वो DL हो, चाहे वो फिर कुछ और आईडी प्रूफ हो, वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसके साथ आइडेंटिटी नंबर भी यहाँ पे डालना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर पे याद रखें कि वो मोबाइल नंबर डालें जिस पे आप OTP अभी रिसीव कर सकते हैं। जो मोबाइल नंबर आपका हो गया उसको ना डालें, क्योंकि उस पे आप OTP रिसीव नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट OTP का जो है ऑप्शन आता है। जब आप मोबाइल नंबर डाल करके OTP ले लेते हैं तो आपको OTP को वेरीफाई करने का ऑप्शन आता है। आप स्क्रीन पर इस चीज़ों को देख सकते हैं। हाँ, याद रहे कि जब आप आइडेंटिटी नंबर डालते हैं तो उसमें किसी भी तरह का
स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो सिंगल लाइन में डायरेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ओटीपी जब आप भरते हैं, तो आपको ओटीपी भरने के बाद यहाँ डिक्लेरेशन को ओके करना है, चेक इन करना है और आपको फिर जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही आपको जो है एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट हो जाएगा और उस रिक्वेस्ट नंबर से आप जो है अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हैं। एक बार जब रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाता है तो जो तीसरा ऑप्शन था चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का, उस पर जाकर के आप अपने फ़ोन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि क्या स्थिति है और पुलिस जो है उस पर कितनी कार्रवाई जो है वो कर रही है। इस पर आपको स्टेटस मिल जाएगा। हालांकि जो मैंने आपको डेमो दिखाया था वो एक डेमो था, किसी फ़ोन का लॉस्ट का हमने नहीं डाला था, आपको दिखाने के लिए डेमो डाला गया था, तो यहाँ पर स्टेटस देख पाएंगे। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है वो है अनब्लॉक फाउंड फोन का। आप देख सकते हैं कि दूसरे ऑप्शन में अनब्लॉक फाउंड फोन है। जब आपका फ़ोन मिल जाता है तो आप जो है जो रिक्वेस्ट आईडी आपने जनरेट किया था उस रिक्वेस्ट आईडी को यहाँ पे डालना है। उसके बाद वो मोबाइल नंबर डालना है जिस पे आपको रिक्वेस्ट आईडी जनरेट करने के दौरान जो है वो ओटीपी आया था, और लास्ट में जो आपका दूसरा मोबाइल नंबर है या फिर उसी मोबाइल नंबर को आप यहाँ पे डाल सकते हैं जिसके लिए आपने ओटीपी मंगाया था। याद रहे यहाँ भी आपको एक ओटीपी आएगा, इसलिए कोई भी मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास हो और आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और उससे जो ओटीपी जनरेट होगा वो फिल करते के साथ ही आपके फ़ोन का आईएमईए नंबर अनब्लॉक हो जाएगा और फिर आप अपने फ़ोन को जो है वो यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने देख लिया कि कैसे हम अपने चोरी हुए या खोए हुए फ़ोन को जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं और जब मिल जाए तो कैसे उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन मज़ा तो तब आ जाएगा जब इस सर्विस को पूरे भारत में एक साथ लॉन्च किया जाए, क्योंकि अभी ये फिलहाल दिल्ली और महाराष्ट्र में है, लेकिन जब पूरे इंडिया में आ जाएगा तभी हर एक यूज़र इसका अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। आशा है कि सरकार इसे जल्द ही लागू कर पाएगी।